यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। तो चैप्टर हमारा दिया है 2, यूनिट फर्स्ट। यूनिट का नाम है हमारा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। तो चैप्टर नंबर 2 दिया है, इसने कहा है चैप्टर नंबर 2 में प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव एंड स्पेसिफिक फीडबैक। जो आपने कम्युनिकेशन किया है, इससे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, उसमें कम्युनिकेशन के टाइप बताए थे आपको। उसके बाद कम्युनिकेशन करने के बाद या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने एक्सचेंज की या फिर शेयर की है, उस पर फीडबैक कैसा रहता है, तो उस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फीडबैक के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव से मतलब है वर्णनात्मक, यानी कि एक बड़ा पूरा डिटेल्स में हो। डिस्क्रिप्टिव दिया है, वर्णनात्मक समझ सकते हैं आप, जैसे हिंदी भी पढ़ते हैं तो पूरी तरह से उसमें एक्सप्लेनेशन दी है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। हिंदी में लिख दूं वर्णनात्मक, ये वर्णनात्मक होता है, मतलब पूरा डिटेल्स में। डिटेल्स ऐसे बनती होगी नहीं। और स्पेसिफिक, जो बिल्कुल एज ए सिस्टम वाइज है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ऐसा फीडबैक। इस चैप्टर में हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उसके बाद हमें कम्युनिकेशन करने के बाद डिसलाइक या फिर लाइक जो मिलता है फीडबैक के ऊपर, वो पॉजिटिव रहता है रेस्पॉन्स या फिर नेगेटिव रहता है, उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहा क्या है, इंट्रोडक्शन दिया है, सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। इन एनी कम्युनिकेशन देयर इज ए सेंडर, कोई भी कम्युनिकेशन है आपका, सेंडर कहते हैं जो मैसेज भेजता है, चाहे आप व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर फेसबुक से कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल कॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन से मतलब है इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करना। तो बात करते हैं हम, इन एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो, देयर इज सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है, इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, ए रिसीवर, जिसको मैसेज दिया जाता है, यानी कि जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, एंड ए फीडबैक, सॉरी मैसेज छूट गया बीच में, रिसीवर ए मैसेज, ये तीन चीज़ें होती है, एंड ए फीडबैक विच इज़ द इंटरप्रेक्शन ऑफ मीनिंग बोथ एंड्स, ये सारे मिलकर एक साथ वर्क करते हैं। द रिसीवर गिव्स फीडबैक, जो रिसीवर होता है जिसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद आपसे पूछा जाए कि मैंने आपको जो पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं आया, आप बताओगे मुझे सर ये समझ में नहीं आया, फिर या फिर समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो जो आपने मुझे दिया उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, वो पॉजिटिव रहा आपका या फिर नेगेटिव रहा। तो ऐसे ही हम कम्युनिकेशन के बारे में इस चैप्टर में बस यही देख रहे हैं कि फीडबैक कैसा रहता है और कितने टाइप के फीडबैक होते हैं और किस किस तरह से फीडबैक किस कम्युनिकेशन के हिसाब से दिया जाता है। तो इसने कहा है द रिसीवर गिव फीडबैक टू द सेंडर ऑफ द मैसेज, जो रिसीवर होता है जिसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो फीडबैक देता है सेंडर को, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको सेंडर बोलते हैं। फीडबैक सिग्नल्स कैन बी वर्बल, वो जो फीडबैक हो सकता है वो वर्बल कम्युनिकेशन में हो सकता है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था वर्बल कम्युनिकेशन लिख कर दिया जाता है या फिर बोल कर बताया जाता है, सच एज वर्ड, और नॉन वर्बल या फिर वो नॉन वर्बल में हो सकता है, लुकिंग अवे एंड द सिग्निंग ऑफ द अदर माइंड गेस्टर्स, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका कम्युनिकेशन। जो फीडबैक दिया जाता है वो नॉन वर्बल में दिया जाए या फिर वर्बल में दिया जाए या फिर आपका जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो मैंने पढ़ाया था उसमें दिया, किसी भी फॉर्म में रिसीवर जो है सेंडर को फीडबैक दे सकता है। मैंने आपसे पूछा समझ में आया, आपने बोल दिया यस सर, आपने या फिर ये हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने मुझे बताया है कि समझ में आया यस सर। लेकिन अगर नॉन वर्बल की बात करें, मैंने पूछा आपको समझ में आया, आपने केवल क्या किया एज ए सिंबल दे दिया गर्दन से, ऐसे समझ में नहीं आया है, या फिर आपने विजुअल कम्युनिकेशन दिया मुझे समझ में आया, तो आपने केवल पिक्चर्स दिखाई उस पर लिखा है यस या नो, आपने कोई वर्ड नहीं बोला है, ठीक है, ना ही कुछ वो करा है, केवल सिंबल दिया है नो, या फिर लाइक, लाइक पे कैसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना जब किसी चीज़ को लाइक करते हैं कि अच्छा है, आप सब तो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, किसी भी फोटो को फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे कोई चीज़ अच्छी होती है उसका फीडबैक कैसे देते हैं, लाइक और डिसलाइक करके देते हैं, तो उससे क्या लाइक ऐसे देते हैं, डिसलाइक में हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो फीडबैक आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो आपका किसी भी वे में हो सकता है, चाहे वर्बल में है या फिर नॉन वर्बल में है या फिर आपका
थर्ड फॉर्म कौन सी होती है हमारी कम्युनिकेशन की, आप बताएंगे मुझे, बीच में बैठे हैं, क्या नाम है तुम्हारा, इस तुम्हारे से पीछे खड़े हो जाओ। मैंने कम्युनिकेशन के 3 टाइप बताए, कौन कौन से है जरा बताना। अलग से आवाज गायब होगी क्या, बात करने में तो तुम्हारी आवाज रूम से भी बाहर जा रहा है। जोर से बोल दे, मुझे सुनाई दे, पूरी क्लास को भी सुनाई दे। मेरे ख्याल से मेरी आवाज उधर तक जा रही होगी भाई, मैं इतनी जोर से पढ़ा रहा। फिर तुझे समझ में नहीं आया, मैंने अभी 2-3 बार बताया कि हम फीडबैक देते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म में होता है कम्युनिकेशन। इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था, कल भी बताया मैंने इसके बारे में, इससे पहले उसकी वीडियो भी बना रखी है और अब भी बताया मैंने, अभी 2-3 बार बताया कि कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो इतने टाइप्स का होता है और फीडबैक भी आप इतने ही टाइप से दे सकते हैं। तो कौन कौन से कम्युनिकेशन है हमारे, हो किस किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके नाम बता दे बस मुझे। पता है, यहाँ आ जाए, इधर वहाँ चले जाए बाहर, वहाँ शांति से, अब दिमाग ठीक रहेगा। जरा पीछे खड़ा होना भाई, विदाउट यूनिफॉर्म सुनी, ये बताओ कम्युनिकेशन के नाम। मैं ऐसे यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा अपनी ऐसे ही। फिर हमारे पास तो बुक ही नहीं है जी, बुक से क्या होगा, तुम बंदे का कितनी बार बोल रहे हैं भाई, मुझे ध्यान से सुन लो, तुम बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पता, चल तू भी बाहर चला जा, आप बताओ भाई। पता नहीं ना, आ जाओ। मल्टर कौन है क्लास का, फिलहाल कोई नहीं है ना, एक मिनट। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आपका विजुअल कम्युनिकेशन, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिया, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया। वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा जिसमें हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ओरल मतलब बोलकर किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और उसी में वर्बल में एक होता है हमारा रिटन, यानी आप लिख कर भी बता सकते हैं। नॉन वर्बल में केवल आप सिंबल देंगे, इशारा करेंगे, यस या नो, जैसे कम ईयर के लिए ऐसे बोल देते हैं, गो देर के ऐसे बोल देते हैं, यस या फिर नो, ऐसे इस तरह से कोई भी चीज़। जैसे ट्रैफिक पर ट्रैफिक पुलिस होती है, वो जाने के लिए बोलता है इधर से, अगर गाड़ी आ रही है तो क्या करता है, उसको ऐसे करके रोक लेता है, इधर को बोल देता है इधर से चले जाओ, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर था हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। इतनी हार्ड चीज़ तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ है, आप पर डे लाइफ में अपनी देखते हो, हर रोज़ आपके साथ होती है ये चीज़ें, टीवी में भी देखते हो, मोबाइल में भी देखते हो। विजुअल कम्युनिकेशन में आती है कोई भी हमारी इमेज जिससे हम बोले या फिर ना लिखे, उसमें ना तो बोलने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही लिखने की आवश्यकता होती है उसमें, ना ही किसी अलग से आपको बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। उसमें केवल एक सिंबल दिया रहेगा, जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, आपने देखा भी होगा बहुत जगह लगा रहता है नो पार्किंग पे सिंबल दिया जाता है, टॉयलेट्स के वगैरह बाहर देखा है आपने, गेट्स पे लगा रहता है कि पुलिया पुश करे इसको जब भी हम किसी भी उसमें जाते हैं ऑफिस में। तो ये सब चीज़ें 3 टाइप्स के हमारे कम्युनिकेशन है, तो फीडबैक भी हमारे 3 टाइप्स के ही आएंगे ना भाई। कम्युनिकेशन 3 टाइप के है तो फीडबैक भी हमारे 3 टाइप्स से आएगा। ये तो आपने, मैंने पूछा, मैंने अभी पढ़ाया, तो आप मुझे बोल के बताओगे समझ में आया, यस सर, नो सर, ये तो ओरल हो गया, या फिर आप मुझे लिख के आपने बोल दिया ऐसे, जैसे किसी भी प्रोग्राम में देखा है ना आपने कि इस प्रोग्राम जो होते हैं डांस प्रोग्राम वगैरह होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, उसमें मार्क्स देते हैं, 10 मार्क्स ऐसे दिखा देते हैं वो करके, कितने मार्क्स मिले वो हाथ में रखते हैं एक सिंबल से ऐसे। ये क्रिकेट का मैच होता है आपने देखा है, उसमें 6 को ऐसे दिखा देते हैं करके। तो ऐसे ही आप फीडबैक के लिए भी 3 टाइप्स का फीडबैक आप दे सकते हैं, और कुछ है भी तो नहीं इस चैप्टर में, बेकार भी परेशान हो रहे हैं।
चलिए भाई, ये तो था हमारा। अब बात कर लेते हैं हम कम्युनिकेशन साइकिल की। बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन साइकिल एकदम सिंपल है। वाटर साइकिल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा है वाटर साइकिल, ऐसे ही कम्युनिकेशन साइकिल है। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होगा, सेंटर से इंफॉर्मेशन हमारी चलेगी। सिंपल में बना रहा हूँ, बुक में भी बना हुआ, जिनके पास बुक है वो देख सकता है। सेंटर क्या करेगा, क्या करेगा सेंटर, मैसेज भेजेगा, ठीक है। इसको SMS लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, समझिए। उसके बाद यहाँ कौन होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर दी, एक्सचेंज कर ली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सचेंज हो रहा है, किसके थ्रू मैसेज कन्वे हो रहा है, वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर वही घूम फिर के आता है वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा फीडबैक, ये दोबारा से फिर घूम के आ चला जाएगा। रिसीवर फीडबैक देगा ना आपको, इसे देगा फीडबैक सेंडर को, सेंडर फिर SMS भेजेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, फिर फीडबैक देगा। तो ये हो गई हमारी एक कम्युनिकेशन साइकिल जो चलती रहती है तीनों, तीन से चार स्टेप्स में, चार स्टेप्स हैं हमारे। तो ये अगर ये हमारा फीडबैक लिख देते हैं, ये फीडबैक होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चले आगे क्या दिया है इसने, आगे दिया है इसने फीडबैक, रिटर्न कमेंट्स एंड कन्वर्सेशन। तो फीडबैक आपका रिटर्न में हो सकता है या फिर किसी कन्वर्सेशन में हो सकता है। इसको एक बार जरा पढ़ना, खड़ा होके आवाज इसमें जानी चाहिए। हाँ पढ़ो, बुक पकड़ना। हेडिंग ये दिया है फीडबैक रिटर्न एंड कमेंट्स और कन्वर्सेशन, यही है ना कुछ हो है। आप इसे पढ़ेंगे, पेज नंबर है 21। एज यू नो फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से पढ़ना है, पढ़ो। एज यू नो फीडबैक इज एन इम्पोर्टेंट एज बैठ जा। मार्क्स रिमूव करो, चलो। फीडबैक रिटर्न कमेंट्स और कन्वर्सेशन। As you know, feedback is an important aspect of communication, but to make the feedback effective, it should be multi-dimensional, supportive, friendly and specific. Let's take example of a cooking competition. So you try a new recipe and as your judge mouth is full, she mumbles, it's good. You light up a bit, but the dish took over an hour to prepare and you think that's it. Now, if the judge had given the feedback by saying DDS में क्या कहा है, एग्जाम्पल दे रहा है ये फीडबैक में, कि अगर हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो आप रिटर्न में देंगे लिख करके, ये फिर आप कन्वर्सेशन नहीं कि उसको बोल कर बताएंगे किसी भी तरह से। इसने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि जैसे आपने कुकिंग कॉम्पिटिशन है, उसमें आपने बनाया कुछ भी कुकिंग, और एक जज है वो आपको क्या करेगा नेक्स्ट पेज पर DDS में, वो आपको कहेगा वाओ, तो उसका मतलब क्या है, उसका जो फीडबैक है आपकी रेसिपी के प्रति क्या आया, पॉजिटिव आया। उसके बाद अगर उसने कुछ और बोल दिया, आगे पढ़ना जरा। How did you get the piece to so tender? It's delicious. I do feel like it could use a bit more spice. And I'm very impressed that you added cauliflower. Then you know exactly what to do for the next attempt. It is the same for students or any other person who is waiting for feedback, because an effective feedback should provide the roadmap. बैठिए। तो उसने केवल यही बात कही है पूरे पैराग्राफ्स में, मैं लाइन बाई लाइन बता देता, सबके पास बुक नहीं है ऐसे बता देता हूँ, कि किसी भी चीज़ में आप कोई भी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जजेज आपको बता सकते हैं कि आपने जो वर्क किया है वो कैसा है। जैसे कि हम आप एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पर आपको मार्क्स देते हैं, तो आपके मार्क्स से पता चल जाता है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, तो वो क्या है हमारी तरफ से आपको फीडबैक है। अब इसने दिया है प्रोसेसिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग जो दिया है प्रोसेसिंग एज ए फीडबैक, उसकी क्या प्रोसेसिंग है, कैसे फीडबैक आता है। सबसे पहले इसने कहा है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपरली,
अगर हमें फीडबैक देना है किसी चीज़ के बारे में, यानी कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे प्रति फीडबैक देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा प्रॉपरली अच्छी प्रकार से, और उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी तो बता पाओ किसी चीज़ के बारे में। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपने उसे सुना नहीं, ध्यान से समझा नहीं, तो कैसे फीडबैक दोगे? क्या दे नहीं पाओगे ना? और दे भी दिया तो वो अच्छा नहीं होगा, फिर आप भी फंस सकते हो कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने। कभी कोई बिना वजह बिना सोचे समझे क्या देता ना किसी बात को, फिर आपसे उससे पूछ ले जाता है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो फीडबैक के लिए आपको करना क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपरली। आपको मैसेज को सुनना है या फिर पढ़ना है, जिस भी वे में आपका मैसेज हो उसको समझना है, उसके बाद ही आप उसे बता पाओगे। आस्किंग क्वेश्चन इफ द मैसेंजर इज नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड गिव द क्या दिया भाई क्लेरिफाइड। आप क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन इफ द मैसेज नॉट अंडरस्टूड, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं मैसेज क्या है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको दोबारा भी पूछ सकते हैं और उसको क्लियरली कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेंस इट वे ओरिजिनली इंटेंडेड, मैसेज को आप समझ सकते हैं जिस भी वे में कन्वे हो रहा है, अगर वो सिंबल में हो रहा है तो सिंबल में, यस या नो में हो रहा है, या फिर ओरली हो रहा है, या फिर रिटर्नली हो, जिस भी सेंस ऑर्गन में मैसेज कन्वे हो रहा है उसी हिसाब से आप उसे अच्छे से समझ के या फिर उसके बारे में जान के फीडबैक दे सकते हैं। कन्वे द रिएक्शन टू द सेंडर ऑफ द मैसेज, और मैसेज जो सेंडर ने दिया है उसके बारे में आप रिएक्शन जो भी है आपका नेगेटिव या पॉजिटिव आप दे सकते हैं। ये है प्रोसेस फीडबैक का। अब दिया नीचे टाइप्स ऑफ फीडबैक, यहीं पर चैप्टर फिनिश हो जाएगा बस दो मिनट में। टाइप्स ऑफ फीडबैक, कितने टाइप के फीडबैक हैं, तो इसमें दिया है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, दो ही होंगे भाई, ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा या फिर कुछ नहीं है, तो दो ही तरह के फीडबैक होते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल्स में दिया है और कुछ नहीं है। नीचे इसमें कुछ कैटेगरीज दी है फीडबैक की, इसको आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अगर किसी को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है फिलहाल अभी, तो वो मेरे से अभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब बुक आ जाएगी इसको पढ़ लेना, अगर फिर भी प्रॉब्लम आई मैं इसको दोबारा एक बार फिर पढ़ाऊँगा।